वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्यसु सर्वदा। आइए, आज बहुत जल्दी आ गई हैं आप। कहाँ चली गई थी? पिक्चर। चलो मेरे कमरे में। कब से इस तरह चोरी चोरी बाहर जाती हो? जी आज पहली ही बार। शट अप, मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। खुद तो बिगड़ी हो, साथ में दूसरी लड़कियों को भी बिगाड़ती हो। चलो जाओ इस वक्त। लेकिन कल सुबह हम प्रिंसिपल साहब के कमरे में मिलेंगे। प्लीज मैडम, प्रिंसिपल को मत कहना, वो बहुत सख्त हैं। हमें कॉलेज से निकाल देंगे, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ वार्डन, प्रिंसिपल साहब का दिल आपकी तरह नलम नहीं है, वो हमें नहीं माफ करेंगे। वार्डन, मेरी माँ नहीं है, मैं तो आप ही को अपनी माँ समझती हूँ। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे माफ नहीं कर देती? क्यों नहीं करती, जरूर कर देती है ना मैडम। प्लीज मैडम, प्लीज। हाँ हाँ, मैं सब तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें समझती हूँ, मगर तुम लोग क्यों नहीं समझती? अब तुम छोटी लड़कियाँ नहीं, बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए इतनी रात को बाहर जाना खतरनाक है। अब आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। अरे मुझे तो मालूम ही था यार कि मैं रहूंगी तो वो हम लोगों को जरूर माफ कर देगी। एक तो बेचारी ने माफ कर दिया, ऊपर से उनकी हंसी उड़ाती हो। जरा सोच कर देखो, तुमने उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया बल्कि तुम खुद बेवकूफ बन गई। ए, अपने उपदेश कल्पना को सुनाना क्या? मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, तुम जानती नहीं हो मुझे। तुम्हें कौन नहीं जानता, और मुझे क्या जरूरत है तुम्हें उपदेश सुनाने की? चलो कल्पना। अब देखो, जा, जाने देना, तू चल मेरे साथ। हम ये ले, चोरी से पढ़ना ताकि किसी की नजर ना पड़े, और ध्यान से वापस ले आना। ओके बिटिया, ये ले। थैंक यू। तेरा भी जवाब नहीं। कौन सी किताब है? जो इसे पढ़ता है वो जन्नत के नजारे लूटता है। पहेलियां मत बुझाओ, बताओ ना। आ, 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 जानना चाहती हो तो सुनो। कभी तुम बोर हो जाओ, किसी बात में तुम्हारा दिल ना लगे, तो ये किताब पढ़ो। आ, 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 फिर यही बोर जिंदगी तुम्हें कितनी हसीन, कितनी मीठी और कितनी नमकीन नजर आएगी। हाय हाय हाय। एक मुझे भी दो ना, मैं भी पढ़ूंगी। छोड़ो भी, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? वो तुम्हारे साथ मीराबाई रहती है ना, उसके उपदेश सुनो और भजन गाओ। मेरे तो मजाक छोड़ो ना, मुझे भी किताब दो, आजकल मेरा भी किसी बात में मन नहीं लगता। अच्छा ये बात है, चलो तुम भी क्या याद करोगी, मगर 25 रुपया फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर खो गई तो 50 रुपया जुर्माना होगा। आजकल ऐसी किताबें मिलती कहाँ है। मगर रात को अकेले में पढ़ना। Thank you.
ना समझती हूँ इसलिए मेरा हाथ उठ गया। अगर तुम समझती हो कि मुझे यह हक नहीं है तो मुझे माफ करो। मगर कल्पना, ऐसी किताबें पढ़ने से तुम बहक जाओगी, पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। अपनी जिंदगी और करियर को इस तरह बर्बाद मत करो प्लीज। इन उपदेशों की मुझे जरूरत नहीं, अपने हाथ में रहो। इतनी मुश्किल से विजय ने मुझे वो किताब दी और तुमने फाड़ दी। एक बार नहीं, हजार बार फाड़ूंगी। देखो कल्पना, विजया अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसके बहकावे में मत आओ। विजया मेरी सहेली है, मैं उसके साथ कहीं भी जाऊं, तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? आज के बाद मुझसे बात नहीं करना। लला लिली इस तरह रूठा ना करो मेरी जान, एक दिन चांद दे देंगे तुम। जा, हम नहीं बोलते। कितनी देर कर दी? 11 बज गए। हमारी मजबूरियों को समझा करो जाने मन, हम शहर के माने हुए रईस हैं, हमारा कुछ वकार है, इज्जत है। अगर किसी ने हमें आते हुए देख लिया ना तो समझ लो समझ लो के लेने के देने पर जाएंगे। आप अगर यहाँ आने से डरते हैं तो इस मोहल्ले से मुझे दूर क्यों नहीं ले जाते? यही सोचा है जान, महल खड़ा कर देंगे तुम्हारे लिए और वहीं पर एक बार जान दे देंगे तुम पर। जान देकर इश्क में हम जी उठे, फायदा देखा इसी नुकसान में। वाह वाह वाह, नुकसान में फायदे का पहलू देखना कोई आपसे सीखे। शुक्रिया शुक्रिया। जाने मन, तुम्हारे घर में एक नौकर है, जब भी हम आते हैं बहुत ही घूर घूर के हमें देखता है। अरे वो तो गूंगा और बहरा है, उसकी बातें कौन सुनेगा और वो किसी से क्या कहेगा। गूंगा और बहरा है। कौन है, कौन है वहां? तुम जानते हो उसे? अगर मैं जानती कि कोई मेरी फोटो ले रहा है तो क्या मैं मेकअप करके ना बैठती? तुम हंस रही हो, किसी की जान गई और तुम्हारी अदा ठहरी ना। हम तो आज ही जान दे देंगे तुम पर मेरी जान। इन बेमतलब बातों में वक्त जाया मत करो, आओ। क्या दिल लगी है, क्या मजाक है, जाने दो मुझे। Yeah.
कलियों ने खुशबू पाई हिलकर जग महकाने को, रूप रंग पाया प्यासे मोरों को बहकाने को। और तेरा रूप झलकता प्याला और दिल गड़बड़ झाला, कताई चार मना संभाला और दिल गड़बड़ झाला। बुझा ले आ जा इन बाहों में यारा, निस निस में बहती ज्वाला वो दिल कर बढ़ जाला, कसाई चार मनत आला वो दिल कर बढ़ जाला, कसाई चार मनत आला वो दिल कर बढ़ जाला। समझे कोई दिल वाला और दिल गड़बड़ जाला, कसाई चार मनत आला दिल गड़बड़ जाला, कसाई चार मनत आला दिल गड़बड़ जाला। तेरा रूप झलकता प्याला दिल गड़बड़ जाला, नत नत में बहती ज्वाला दिल गड़बड़ जाला, कल्पना बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? मेरे डैडी तो नहीं? मेरी डैडी होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। वो मैसेज मैंने ही भेजा था। ओह, मैं समझी मेरे डैडी मुझसे मिलने आए हैं। आपकी ये मुस्कुराहट मेरे लिए नहीं हो सकती है। जी? जब से आपसे मिला हूँ तब से मैं और कुछ कहना है? हाँ, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ में नहीं आता कैसे। मैं चलती हूँ। सुनिए, मुझे जाने दीजिए। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती हैं तो ये टेप रिकॉर्डर लेके जाइए, ये आपको वो सब चीजें बता देगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। टेप रिकॉर्डर? नहीं नहीं, मैं ये टेप रिकॉर्डर कैसे ले सकती हूँ? देखिए देखिए, ये टेप रिकॉर्डर मेरा है और मैं आपसे कह रहा हूँ इसे ले जाने के लिए, लेकिन अगर आप इसे नहीं ले जाना चाहती हैं तो सुन लीजिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं, प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही सुन लूंगी। इसे लेने कब आऊं? अगले संडे। अलकम, अब तक नहीं छेड़ा गया जिसको, नगमों से भरा वो साज है तू, जो साज में सोए हैं नगमे, उन नगमों की आवाज है तू। जैसे कि हो एक मुंहबंद कली, जो फूल के सांचे में न ढली, नाजुक नाजुक कांटों में पली, कुदरत का हसी एजाज है तू।
कौन आए थे तुमसे मिलने? तुम्हारे डैडी? कोई भी हो, तुम्हें क्या? कितनी बार कहा है मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी। वो नूर जो है माथे पे तेरे, वो नूर है चढ़ते सूरज का, आंखों में चमक माहे नौ की, पहली शबे माह का नाज है तू। वो शेर है तू जो समझने से पहले ही दिल में उतर जाए, जो सुनने से पहले ही तड़पा दे मौसीकी का वो गुदाज है तू। बड़े अच्छे शेर हैं, किसने लिखे हैं? मैंने। किसके लिए? जिसके लिए लिखे हैं उसे कैसे बताया जाए, या बता सकती हैं? सीधे उसके सामने जाकर कह दो कि मैडम ये शेर मैंने आपके लिए लिखे हैं। मैडम ये शेर मैंने आपके लिए लिखे हैं। मैं इस काबिल कहा? फूल को अपने बारे में कहां पता कि वो किस काबिल है, जबकि उसकी खुशबू दिल की गहराई में उतर जाती है। आप सिर्फ शायरी करते हैं या? जी नहीं, मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से सोच रहा हूँ अपने पिताजी को बिजनेस में ज्वाइन कर लूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिता। ओह। दिस ब्लडी बेल बात भी पूरी नहीं करने देती है। जो बातें रह गई हैं टेप करके दे दीजिए। ये तो और भी अच्छा होगा, कहने में घबराहट नहीं होगी। सुनिए अब कुछ नहीं। अरे अरे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम भाई? आपका सेवक हरिदास जी, बंदे को शिवनाथ कहते हैं, शिव का भक्त हूँ लेकिन आपका तो गुलाम हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात तुमने हमें देख ली कि हमें अपने बारे में शक में डालो? हुजूर आप तो मेरा आदर्श है, क्या नाम है, क्या सम्मान है, दान धर्म समाज सेवा क्या है जो आप नहीं करते, सारा शहर आपका गुणगान करता है। हुजूर मैं भी छोटी सी विनती लेकर आया हूँ। लगता है कोई चंदा बंदा मांगने आए हो। चंदा बंदा नहीं हुजूर, मैंने एक छोटा सा बिजनेस, एक धंधा शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि उसका उद्घाटन आपके हाथों हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही मेरा धंधा फल फूल सकता है। बस इतनी सी बात, कब है उद्घाटन? उद्घाटन तो हो गया सेठ जी। अच्छा, वो तुम ही थे जो फोटो खींच के भागे थे? जी नाराज मत होइए सेठ जी, दाल रोटी का सवाल है। बदमाश, बहुत चालाक लगते हो। सेठ जी ये चालाकी नहीं समाज सेवा है। देखिए ना, संसार में पाप तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मैं उन्हें कम करने की कोशिश कर रहा हूं। हर इंसान पाप करने से पहले इधर इधर आगे और पीछे देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जहां वो बैठा है, वो तीन आंखों वाला, उसकी तीसरी आंख से कोई पाप नहीं छुपता, और उसी की तरह मेरी भी तीसरी आंख ये है, इसे मैं ज्ञान नेत्र कहता हूं। इसकी नजर से भी कोई बुरा काम छुप नहीं सकता, चाहे वो अमावस के घने अंधकार में किया गया हो, चाहे पाताल में छुपकर। समझे मेरी जान? तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पे। वाह सेठ जी वाह, छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छे। वाह सेठ जी। अरे सेठ जी दरअसल बात यह है कि आजकल शिव की अदालत में गुनाहों के इतने सारे मुकदमे पेंडिंग हैं कि उन्होंने गुनाहों की सजा देने और प्रायश्चित वगैरह करने के लिए यही जमीन पर ही इंतजाम कर मेरे जैसे भक्तों द्वारा। तो अब आप सोच लीजिए, आप सजा भुगतेंगे या प्रायश्चित करेंगे? कैसा प्रायश्चित? 10,000 रुपए दीजिए और अपने पाप धुलवा लीजिए। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? हाय डैड, मैं पिकनिक पे जा रहा हूं, आपकी गाड़ी ले जाऊं? आपके सुपुत्र हैं? नमस्कार। नमस्ते। पिकनिक पर जा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा,
वहां लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, क्यों? तुम जाओ बेटे। एक मिनट, आपसे जरा राय लेनी थी एक चीज के बारे में। अजीब हरकत करते हो, काम के वक्त भी मजाक करते हो। नहीं, मैंने सोचा इनको भी दिखाई। बड़े वो हो। बेटे ये गाड़ी की चाबी है, गाड़ी खड़ी है सामने, तुम इतनी रोटी बैठी चाहो। थैंक यू, चलता हूं। जीते रहो, जीते रहो। देखो मेरे बेटे को इस मामले से अलग रखो। जी बिल्कुल, और वैसे भी अमीरों के बेटों को तो अलग ही रखा जाता है सबसे। और फिर आपके बेटे की देखरेख करने के लिए आपकी दो आंखें हैं, मेरी दो आंखें हैं, और पांचवा ये ज्ञान नेत्र है। इसका नेगेटिव कहां है? तुम बड़े भोले हो यार, हाथी के साथ गन्ना खाने की कोशिश करते हो। ये असली नेगेटिव नहीं है, वो पैसा मिलने के बाद मिलेगा। ठीक है, आओ मेरे साथ। अब बताओ तुम क्या पसंद करोगे, सजा या प्रायश्चित? लाश की चिंता मत करना, अपने बाग में दफन कर दूंगा ताकि तुम्हारे सीने पे चलता फिरता रह सको। वाह, हरी वाह, मान गए भाई तुम्हें, इसीलिए तो हम तुम्हें अपना आदर्श समझते हैं। लेकिन क्या है, हमने भी तुमसे कुछ तमीज और तहजीब सीखी है, इसीलिए जब भी तुम्हारे जैसे देवताओं के दर्शन करने मंदिर में आता हूं, चप्पल बाहर छोड़ के आता हूं। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मैं अपने घर पे 20 चिट्ठियां हिंदुस्तान के 20 बड़े अखबारों के नाम लिख कर आया हूं, और हां उन सब चिट्ठियों में ये फोटो तो है ही, और एक चिट्ठी पुलिस कमिश्नर के नाम लिख कर आया हूं जिसमें यह भी लिखा है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं, और अगर मैं शाम तक घर नहीं पहुंचा तो वो चिट्ठियां पोस्ट कर दी जाएंगी। इन्हें फ्रेम करवा लीजिए। और देखा, आपकी इतनी धमकियों के बावजूद मैंने अपना दाम नहीं बढ़ाया, इसे कहते हैं ईमानदारी। ओ, ये है आपका असली नेगेटिव। अरे सुनो, वो चिट्ठियां वो जला दूंगा मेरी जान। हाय विजू। हाय विजू। हाय कल्पना, क्या किताब चाहिए? आज बहुत सी नई किताबें आने वाली हैं। किताबें नहीं, वो बात नहीं है, मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? बात ये है कि एक मिनट, मेरा भाई आ रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हाँ बता, क्या बोल रही थी? मैंने तुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था ना? हाँ, वही टेप रिकॉर्डर वाला। वो मुझे पिक्चर ले जाना चाहता है। अच्छी बात है, जरूर जाओ मेरी रानी। लेकिन मैं वार्डन से क्या कहूँ? इस मामले में अपन का दिमाग बहुत चलता है। कह दे तेरे अंकल की बर्थडे पार्टी है। लेकिन मेरे तो कोई अंकल नहीं है। अरे नहीं है तो आज ही उन्हें पैदा कर दे और आज ही उनका बर्थडे मना डाल। क्या दिमाग है। ये पिक्चर तो हाउसफुल है। तुमने एडवांस टिकट बुक नहीं की थी? मुझे क्या मालूम था, ये पिक्चर तो 15 हफ्ते से यहाँ चल रही। चलें कहीं और ट्राई करें। ये पिक्चर भी तो हाउसफुल है। बैड लक। ये पिक्चर भी तो हाउसफुल है। 3:30 बज चुके हैं, सारी फिल्में शुरू भी हो गई होंगी। नाराज मत हो कल्पना, कहीं और चले चलते हैं। चलो।
आइए। अरे ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये मेरा घर। तुम्हारा घर? हाँ आइए ना। देखो एक तो फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, सोचा इसी बहाने तुम्हें अपना घर दिखा दूं। आज नहीं फिर कभी आऊंगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम कहो तो तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। नाराज हो गए? नहीं इतनी सी बात पे नाराज क्यों हो जाऊंगा। हाँ ये बात अलग है कि अगर तुम चलती तो मुझे बहुत खुशी होती है। ज्यादा देर रुकूंगी नहीं। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, मैं पता नहीं क्यों तुम्हारी कंपनी में घबरा जाता हूँ। सैमा वो खरगोश देखा है कभी? देख रही हूँ। आइए। वाओ कितना अच्छा है तुम्हारा घर। अच्छा तो अब हुआ है तुम्हारे आने से, आइए ना। इसे सुन लेना, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज। ओफो पहली बार मेरे घर आई हो, मेरी खास मेहमान हो, आज मैं खुद अपने हाथों से बनाकर तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। और अगर तुम्हें रिकॉर्ड पसंद नहीं आया तो इस घर को अच्छी तरह से देख लेना, एक दिन तुम्हें आना है। राइट, जस्ट बी इजी ओके। मैं यूं गया और यूं आया। छोड़ दो मुझे।
I'm sorry, Kalpana. शायद हम पागल हो गए थे. घबराओ मत. डैडी के आते ही मैं उनसे हमारी शादी की बात कर लूंगा. उन्हें कोई एतराज नहीं होगा. अगले हफ्ते जब मैं तुमसे हॉस्टल में मिलने आऊंगा, हमारी शादी की खुशखबरी लेकर आऊंगा. डरो मत कल्पना, सब ठीक हो जाएगा. हाँ कल्पना, कहाँ गए थे तुम? कल्पना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, विजय का साथ छोड़ दो, वो तुम्हें गुमराह कर देगी. तुमने वार्डन से झूठ क्यों बोला? तुम्हारे तो यहाँ कोई अंकल नहीं. किसके साथ गई थी तुम? बोलो ना कल्पना, कौन था तुम्हारे साथ? बोलो ना कल्पना, प्लीज बोलो, कौन था तुम्हारे लिए? प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन. सुनिए. कहिए. यहाँ मिस्टर रमन कहाँ रहते हैं? क्या नंबर है उनके मकान का? नंबर तो मालूम नहीं. क्या काम करते हैं? मालूम नहीं. कुछ भी मालूम नहीं है तो फिर पता कैसे चलेगा? चलो ड्राइवर. बिना एड्रेस के इतने बड़े शहर में घूमने से क्या फायदा मैडम? मैं सिर्फ एक बार आई थी, इसलिए बराबर कुछ पता नहीं. अच्छा हॉस्टल वापस चलो. देखो जहर फौरन निकालना पड़ेगा. तुम जल्दी से दो तीन बाल्टी पानी लेकर आओ. हाँ
ओ गॉड, क्या हुआ डॉक्टर? पेट से थी, जहर पी लेने से एबॉर्शन हो गया है। एबॉर्शन? तुम जल्दी से गर्म पानी, कपड़ा, रुई का इंतजाम करो। जी। अब खतरे की कोई बात नहीं, तुमने वक्त पर मुझे बुलाकर इसकी जान बचा ली। सहेली है ना तुम्हारी? जी। देखो रेवती, इस राज को राज रखना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी सहेली की जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। हॉस्टल का मामला है, एक लड़की को भी पता चला तो पूरा जमाना जान जाएगा। डॉक्टर, मैंने किसी डूबते हुए को इसलिए नहीं बचाया कि उसे पहाड़ पर ले जाकर धक्का दे दूं। ये राज मेरे साथ चिता तक जाएगा। I will be proud of you. जितनी अच्छी हो उतनी अच्छी हमेशा बनी रहना। अच्छा, मैं इसे 10 दिन की छुट्टी सैंक्शन करवा देती हूँ। जी। तुम इसका बराबर ख्याल रखना और दवाइयाँ देती रहना, ओके? जी डॉक्टर। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दीजिए। हिम्मत से काम लो कल्पना, जी छोड़ दोगी तो जियोगे कैसे? नहीं जीना है मुझे, क्यों बचाया मुझे, मुझे मर जाने दिया होता, मुझे मर जाने दिया होता। सुनो कल्पना, अव्वल तो किसी को जंगल की तरफ नंगे पाँव जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर कोई चला ही जाए तो कांटा चुभने पर उसे अपना पाँव तो नहीं काट देना चाहिए। लेकिन ये दाग लेकर मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। तुम जहर खा के मर जाओगी तो क्या ये दाग धुल जाएगा? तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, पर दूसरे, तुम्हारे डैडी शर्म और बदनामी की जिंदगी जी पाएंगे? क्या हक है तुम्हें कि तुम अपने किए की सजा दूसरों को दो? नहीं डॉक्टर, मैंने पाप किया है, मेरी यही सजा है। पाप नहीं, भूल की है तुमने। और कौन है ऐसा जिसने जिंदगी में भूल नहीं की हो? जो लोग अपनी भूल का एहसास करते हैं वो एक तरह से उसका प्रायश्चित कर लेते हैं। मुझे डर लगता है डॉक्टर, मुझे डर लगता है। जब डरना चाहिए था तब तो तुम नहीं डरी, और अब जब हिम्मत चाहिए तो तुम डरती हो। तुम्हें जो नई जिंदगी मिली है ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, इसे हमेशा पाक रखना। इतना सुंदर जीवन गंवा देने के लिए नहीं है, इसे खुले मन से जियो। तुम इसके पास बैठो। जी। कल्पना, नहीं, मुझे मुझे माफ कर दो। रो मत कल्पना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे रेवती, सुना है कल्पना की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उसे? ठीक है, कोई खास बात नहीं। मुझे तो कोई खास बात ही लगती है, देखो ना, इतने दिनों से नजर ही नहीं आई। अच्छा ही है जो उसे तुम नजर नहीं आई, कम से कम रात दिन वो अपने इम्तिहान की पढ़ाई तो कर रही है। ओके बाय रेवती, बाय कल्पना, चिट्ठी लिखना। हाँ रेवती, तुम्हारे साथ 3 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। यही तो जिंदगी है, लड़कियों को तो वैसे भी संसार बदलना पड़ता है। पिछली सारी बातें भूल जाओ, ऑल द बेस्ट रेवती। अमरनाथ! अरे मामा आओ, कैसे हो भाई अमरनाथ? ठीक हूँ मामा। मामा पहचाना इसे? नमस्ते। क्या? अरे मेरी बेटी है। बेटी? अरे भाई मैं सामान वामान कुछ नहीं लाया हूँ। मामा बेटी। ओ बेटी, बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके आई है। चढ़ाई किस पर? पढ़ाई पढ़ाई। तो इतना ऊंचा क्यों बोलते हो, कम सुनते हो क्या? नहीं कम सुनता हूँ। क्या? नहीं कुछ नहीं, बेटी इनके लिए चाय लेके आओ। बैठो बैठो। तुम्हें भी पत्थर खाने का शौक है क्या अमरनाथ जी?
मैं समझा नहीं मामा। अरे भाई, आंगन में फलों से लदा पेड़ होगा तो लोग पत्थर नहीं मारेंगे क्या? लड़की का कद घर की मुंडेर से ऊंचा हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। आपकी नजर में है कोई लड़का? लड़का? अरे कलयुग में सतयुग का पुरुष उतर कर आया है। चिराग नहीं, सूरज लेकर ढूंढोगे तब भी ना मिले। लाखों की जायदाद का इकलौता वारिस है। घर में और कौन कौन है? माँ बाप है नहीं, बड़ी बहन घर बसा चुकी। कोई खुशकिस्मत ही होगी जो उस लड़के का घर बसाएगी। डैडी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ? मैं एमएससी करूंगी। क्या कह रही है? कहती है एमएससी करेगी। अरे तो कर ले, किसने मना किया है? शादी के बाद क्या लड़कियां पढ़ती नहीं है? देख बेटी, लड़की चाहे डॉक्टर हो या वकील, पूरी औरत तो वो किसी की बीवी और किसी की माँ बन जाने के बाद ही होती है। लेकिन डैडी। देखो बेटी, पसंद ना आए तो ना कर देना, मगर देखने में क्या हर्ज है। देख भी लिया और पसी कर लिया। अरे भाई, किसे पसंद किया? लड़की को तो अभी देखा भी नहीं तुमने। अरे मामा जी, जैसी खान वैसी मिट्टी। गुप्ता जी की बेटी तो अलग, इनके दुश्मन भी बुरे नहीं हो सकते। अरे मामा, तुम तो कह रहे थे कि लड़का सतयुग का है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल इस युग का लगता है। भाई लड़का हमें पसंद है। अमरनाथ भाई, ये शादी के रिवाज कुछ बदल गए हैं क्या? लड़की अभी आई नहीं और तुमने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। अरे भाई, लड़की को तो बुलाओ। ओ अरे काका, बिटिया को बुलाओ। अरे बेटी, मेहमानों को चाय दो। देख भी लिया और पसंद भी कर लिया। क्या हो गए ना शहीद? अरे भाई, आज तक 200 शादियां करा चुका हूँ। तो फिर मामा जी, आप खुद क्यों कुंवारे रह गए? डॉक्टर, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। मुझे मर जाने दिया होता, क्यों मर जाए, मुझे क्यों मर जाए। क्या नाम है तुम्हारा? जी कल्पना। कहाँ तक पढ़ाई की है? बीएससी तक। दीदी, अपनी राय तो मैंने दे दी, तुम्हारी तुम जानो। लेकिन फैसला करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि शादी मैंने करनी है, तुमने नहीं। दीदी जरा इनसे पूछिए, मेरे सर पर इन्हें सींग तो नजर नहीं आ रहे। चुप, बहुत बोलता है, इसकी बातों पर मत जाना। मन इसका शीशे की तरह साफ है, अंदर कुछ नहीं रख सकता। भाई अमरनाथ, मेरा ख्याल है कि हम लोग बाहर चलें ताकि। क्यों, इतनी जल्दी बाहर चलें? अरे भाई तुम नहीं, हम लोग। तुम लड़की से बात तो करके देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम गूंगी लड़की तुम्हारे पल्ले बांध दे। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि बीवी अगर गूंगी हो तो गृहस्थी स्वर्ग बन जाती है। क्यों जी? लड़कियों का शर्मा कर चुप हो जाना ही उनकी हाँ है। इसकी माँ भी ऐसी शर्मा कर अंदर चली गई थी। क्यों अमरनाथ, याद है ना? सदियां गुजर गईं, पिछले जमाने की बातें किसे याद रहती हैं मामा। दामा? कौन दामा? कुछ नहीं। कुमार साहब, इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इकलौती बेटी है, जो कुछ मेरा है सब उसी का है। बहुत धूमधाम से शादी करूंगा और दहेज जो आप मांगे। आप मुझे खरीदना चाहते हैं? आप जानते नहीं, आजकल के जमाने में दहेज लेना या देना जुर्म है। गुप्ता जी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस आप सिर्फ अपनी बेटी और आशीर्वाद हमें दे दीजिए। डॉक्टर? डॉक्टर नहीं,
दीदी कहो। मुझे नहीं पता था कि हम लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, और अगर पता होता तो भी मैं जरूर आती। मैं बहुत खुश हूँ कल्पना। और खुशी के वक्त रोते नहीं। तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे घर के आंगन में मोगरे की एक बेल थी। एक दिन एक बकरी उस बेल को कुचल गई। मेरा मन बुझ गया, बेल नहीं मैं मुरझा गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस बेल के इर्द गिर्द बाड़ लगाई, उसे पानी से सींचा, उसकी देखभाल की, और जानती हो वो बेल हजारों फूलों से महक उठी। उन्हें देखकर मुझे वो खुशी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकती। आज तुम्हें उन फूलों की तरह महकते खिलते देखकर मुझे वही खुशी हो रही है। कल्पना, एक बहुत जरूरी बात तुम्हें याद रखनी होगी। नई जिंदगी शुरू करते हुए तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम उसके काबिल हो या नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने डैडी और पति की खुशी को देखना है। तुम्हारी जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही, तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हें पता है अहिल्या ने भी अनजाने में गलती की थी, और इसलिए भगवान राम के चरणों में उसे मुक्ति मिली। अगर वो गलती जानबूझकर की होती तो उसे कभी मुक्ति न मिलती। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। दीदी, अरे रिश्ता अभी हुआ नहीं और ननंद भाभी में साजिशें शुरू हो गईं। यही देखने आया था। यहाँ आने का अच्छा बहाना ढूंढा तूने। देख ले, दूसरी बार देखे बिना रहा नहीं गया ना। अच्छा हम चलते हैं। इन्हें भी साथ लिए चलते हैं। चल हट, बारात लेकर आऊंगी और बैंड बजे के साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा कल्पना चल। अरे चल। मालूम है लड़की की सबसे सुंदर भाषा क्या है? शर्माना, चुप रहकर सब कुछ कहना। देखा फिर कितना कुछ कह दिया तुमने। कल्पना, मेरे ख्याल से शादी हर इंसान की जिंदगी में घटने वाली सबसे अजूबी घटना है। हाँ आप देख लो ना, दो अजनबी अचानक एक ऐसे बंधन में बांध दिए जाते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल देता है। उनकी पसंद नापसंद, सुख दुख एक दूसरे को हो जाते हैं, और इसीलिए शायद बुजुर्गों ने यह पहली रात बनाई है कि इतना लंबा सफर शुरू करने से पहले पति पत्नी ना ही सिर्फ एक दूसरे के जिस्मानी रूप को जान लें, बल्कि एक दूसरे की रूहों तक पहुंच जाएं, दोनों के बीच कोई राज ना रहे और दोनों एक दूसरे के राजदार बन जाएं। और इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूं। मेरी पढ़ाई अभी पूरी हुई थी कि पिताजी अपना सारा कारोबार मुझ पे सौंप कर चल बसे। बस काम शुरू कर दिया। एक अच्छी खासी सेक्रेटरी थी जो हर वक्त मेरे साथ रहती थी, उसके साथ इश्क चल पड़ा और हमने वो मर्यादा भी पार कर ली जो शादी से पहले नहीं करनी चाहिए। मगर एक दिन मैंने उसे अपनी सहेली से कहते हुए सुना, अपना बॉस तो उल्लू है, मैंने उसे जाल में फंसा लिया है। बस उस दिन दिल टूटा और रिश्ता भी। खैर उसने शादी कर ली, अब अपने पति के साथ सुखी है। बाद में मुझे महसूस हुआ कि वो प्यार नहीं, एक आकर्षण था, इन्फैचुएशन था, उम्र का तकाजा था। छोड़ो मेरी बातों को, अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ बताने को है तो तुम्हें बता सकती हो। तुम तो रोने लगे। सुनो, मैं तो तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा था कि कभी किसी के जरिए तुम्हें इस बात का पता चले तो तुम्हारे दिल को चोट ना लगे। मैं भी कैसा उल्लू हूं, ऐसे मौके पर ये सब बातें करने लगा। प्लीज माफ कर दो,
और हंस दो, हंसो ना। देखो अगर तुम रोती रहोगी तो फिर मैं भी रहूंगा। रोऊं? गाँव गलियों भूलो कलियों और से सुना, फूलो कलियो और से सुनो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। मत बहारो शोक नजारो गाते पंछियो, और मत बहारो शोक नजारो गाते पंछियो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, हाँ ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। Yeah.
रेवती। कितने दिन बाद मिले, तुम बिल्कुल नहीं बदली शादी के बाद। मैं सारी की सारी बदल चुकी, तू मेरी शादी पे क्यों नहीं आई? मैं अपनी शादी में लगी हुई थी और शादी के बाद वो न जाने कहाँ कहाँ घुमाने ले गए, अब जाके सेटल हुई हूँ। अच्छा, हाँ। इतने लंबे छोड़े हनीमून का कुछ फायदा हुआ? एक लड़की है मेरी, और तेरे? मेरे तो दो हैं। अच्छा, एक मेरा बेटा हा? और एक वो खुद है। उनसे मिलाएगी भी या कोई छुपाने की चीज है? मिलाऊंगी, जरूर मिलाऊंगी। चल अभी घर चल। अभी नहीं, पहले तुम लोग मेरे घर पे आ रहे हो इस संडे को। अच्छा, तुझसे बहुत सी बातें करनी है, चल कहीं चल के कॉफी पीते हैं, बहुत कुछ बताना है। चल चल। क्या घर है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल राजकुमार का घर लगता है ना बेटे। राजकुमार नहीं, सिर्फ कुमार। नमस्ते। अरे कुमार साहब, मैं रेवती, कल्पना की सहेली। ये मेरे हस्बैंड शिवनाथ और ये आशु। आशु शिवनाथ वर्मा। अरे वाह। हाँ कल्पना, हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है और हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए आइए आइए, आपको मेरी बहन होना चाहिए था, मेरी एक बड़ी बहन है, ये उनकी पॉकेट एडिशन लगती है। अच्छा। हेलो बेरे। ओहो, ये आपके पॉकेट एडिशन है। नमस्ते करो बेटे, ये बबलू है। ए, तुम्हारा नाम क्या है? आशु। आशु, शकल विरोनी। पापा बहुत बोली है ना। पाप पर गई है। बबलू, इन्हें अपना कमरा दिखाओ, खिलौने भी। सुनते हैं इंग्लैंड की महारानी का महल देखने में पूरा एक हफ्ता लगता है, आपका घर देखने में तो पूरा एक जन्म। कल्पना, ये मेरे पति शिवनाथ। ये नमस्ते। ये महल नहीं घर है, महल दिखाने के लिए होता है और घर रहने के लिए। वाह, घर वाली हो तो ऐसी हो, नहीं तो ना हो। हो जो ऐसी तो हो मेरी, ना वो और कहीं हो। फोटो खींच लो। हाँ हाँ जरूर। ना हो ऐसी तो ये अच्छा है, बिल्कुल ही नहीं हो। बिल्कुल सच है भाई, इस बात पे तो मैं भी एक शेर पढ़ सकता हूँ। शेर और आप? प्लीज रहने दीजिए। अच्छा, पर अगर सुना दूं तो फिर एक शेर भाभी की तरफ से भी, करेक्ट? मुझे मंजूर है। मंजूर है, लीजिए। ये देखिए, ये है इनकी तस्वीर, इसके पीछे एक शेर है मेरा, सुनाता हूँ। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिर। भाभी हो जाए। एक हम है हुजूर, एक हम है, एक हम है जो रखते हैं दिल में निशानी, एक ये है जिन्हें आती है तस्वीर छुपानी, और एक ये है जिन्हें आती है तस्वीर बनानी। मुशायरे का तो मजा आ गया। अंकल अंकल, हमारी भी एक फोटो खींच दो ना। जरूर, जरा स्माइल करो। ओ सॉरी। शिवनाथ साहब, क्या ये कैमरा हमेशा आपके साथ रहता है? गले का हार है हुजूर। इधर आ जाओ बेटे। क्या है कि इसकी बदौलत 10-20 में कोई फोटो भेज देता हूँ, घर में दाल रोटी आ जाती है। स्माइल करो बेटे। एक तस्वीर हमारी भी उतार दो भाई, यादगार रहेगी। अरे दीदी आओ। कैसी चल रही है गृहस्थी? अरे रेवती तुम? हाँ दीदी, मैं भी इसी शहर में रहने आ गई हूँ, 6 महीने हुए, और आज मुझसे मिलने आई है। सॉरी। चलो अच्छा हुआ, मैं जा रही हूँ, तुम अकेली नहीं रहोगी। कहाँ जा रही हो दीदी? यही बताने आई थी, मेरा ट्रांसफर हो गया है हैदराबाद, तेरे जीजाजी के पास। 7 साल के बाद मैं और तेरे जीजाजी फिर से एक साथ एक जगह काम कर सकेंगे। तो ये तो एक तरह से दोबारा शादी हुई। बुरा मत मानिए दीदी, ये मेरे पति हैं शिवनाथ, इन्हें ज्यादा बोलने की आदत है। सॉरी दीदी, सॉरी, बुरा मत मानिएगा दीदी, जरा स्माइल प्लीज।
चेहरा मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? ताज्जुब है मुझे आंखों ने किस हैरत में डाला है। या इलाही खैर कर, इस जगह कुछ होने वाला है। शंभू का तीसरा नेत्र खोलने का वक्त आ गया। क्यों भाई, चलें? अरे अरे बाबू, कहाँ जात हो? अरे शंकर तुम? अरे हमारा नाम शंकर नहीं, महादेव है। महादेव? अरे तो एक ही बात है, शंकर और महादेव में फर्क कैसा है? महादेव भैया, सेठ जी ने बुलाया है, उनसे मिलना है। अरे वो घर में नहीं, दिल्ली गए हैं। अच्छा तो उनके जो सुपुत्र हैं क्या नाम है? रमन बाबू। हाँ, उनसे रमन, उन्हीं से काम चल जाए। गुड मॉर्निंग रमन बाबू। अच्छा हुआ आपको टाइम पे पकड़ लिया, नहीं तो आप तो निकल गए होते। आपको डरी से मिलना? जी नहीं, वो काम तो हो गया और उनसे तो मैं मिलता रहता हूँ, ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। आइए आइए ना। अरे धीरो चारा ना। रमन बाबू पहले ये भूल तो स्वीकार कीजिए, बैठिए ना। ये किस लिए? पहली मुलाकात में मैं हमेशा फूल पेश करता हूँ ताकि तबीयत खिली रहे और गुफ्तगु रंगीन रहे। शुक्रिया, गुफ्तगु पे आ जाइए। पहले मुंह तो मीठा कीजिए। लेकिन ये किस खुशी में? आज आपसे मेरी पहली कमाई होने वाली है, इसी खुशी में। मुझसे? क्या करते हैं आप? फोटो खींचता हूं। ये क्या बदतमीजी है? यू बास्टर्ड, मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? आप तो नाराज हो रहे हैं हुजूर। आपको ये फोटो पसंद नहीं है तो आपके डैडी को दे देता हूँ। डैडी की धमकी मत दो मुझे, वो खुद मेरी शादी इस लड़की से करवा देंगे। लेकिन शादी तो शरीफ लोगों की होती है रमन बाबू, और वैसे भी देखिए ना, अगर शादी से पहले ये फोटो अखबार में छप गई तो सारी दुनिया देखेगी कि सेठ हरिदास की होने वाली बहू। सोच लीजिए, हजारों मुंह बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन मुझे एक का मुंह बंद किया जा सकता है सिर्फ 15,000 रुपए से। हरामजादे, तेरी औकात क्या है? एक दिल का फकीर हूं, लेकिन मैं हवाओं का रुख बताता हूं। हवा का रुख समझिए रमन बाबू, अगर ये तस्वीर अखबार में छप गई तो एक तो आप तो खैर बेशर्मों की तरह जी भी लेंगे, लेकिन वो लड़की आत्महत्या कर लेगी। उसका पाप आपने अपने सर ले भी लिया तो पुलिस का क्या करेगी? और यकीन जानिए, ये फोटो देखकर पुलिस आपके पास जरूर पहुंचेगी। यू रास्कल, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। एंग्री यंग मैन। 15,000 मेरे पास नहीं है, ये 7,000 है, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। गिनिए मत, पूरे 7,000 है। फिर भी, लेकिन देने आपको 15,000 ही पड़ेंगे। कल तक उनका इंतजाम कर दीजिएगा और फिलहाल ये तस्वीर आप और नेगेटिव। ओहो, मुड़ गई है, कल दूसरी कॉपी ले आऊं? कॉपी नहीं चाहिए, कल नेगेटिव ले आएगा, समझे? जी जरूर। हाँ, कहे कहा, सरकार ने छापा मारा है घर पर, कहत रहन 10 लाख का सोना पकड़ा है। हाँ, पर धंधा इनका क्या है? ये भी कहत रहन के बड़े सरकार वो क्या शगलिंग मगलिंग कुछ स्मगलिंग वो ही करत रहे। अरे भैया वाह, हमें ही बेवकूफ रह गए जो इतने कम पैसे में फोटो दे दिए। सिगरेट पियोगे मारो भैया, तेरे वादे पे जिए हम,
तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। वाह वाह, तुम्हें हुंडी कहूं या बैरर चेक? शायद जो भी हो, एक बहुत बड़े नाटक का सूत्र हाथ में आ गया है। चलो सूत्रधार जी, उठो और पर्दा उठाओ। शंभू, तू ही ने तो कहा था कि चाहे सात आसमान के पीछे छुप जाए, लेकिन इंसान का किया हुआ पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। तुम तो सिर्फ सात फेरों के पीछे जा चुकी हो। हेलो। हेलो अंकल। आप दोनों भाई बहन? नहीं, हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी? बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। हाँ अंकल, बहुत चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चॉकलेट खाएंगे आप? हाँ। चॉकलेट? थैंक यू अंकल। एक ही था आपके लिए, ये। थैंक यू अंकल। वेरी गुड, इसी तरह एक दूसरे को चाहते रहना। बाय बाय। ए शंभू, इन बच्चों को लंबी जिंदगी दे, कम से कम 10 साल और। ये पेड़ की तरह बड़े होंगे, फल मुझे मिलेगा। बबलू। हेलो अंकल। हेलो बेटे। बेटे चॉकलेट खाएंगे आप? जी हाँ। ओहो, चॉकलेट तो खत्म हो गया। वो क्या है कि मैंने उसे 10 साल के प्लान में इन्वेस्ट किया है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अंकल अंकल, आप मेरी साइकिल ठीक कर देंगे? हाँ कर देंगे, क्यों नहीं, आ जाओ। क्या हुआ साइकिल? अरे इसका तो सिर्फ टायर निकला है, अभी कर देते हैं। अरे शिवनाथ जी, अरे कंपनी, नमस्ते। आपके फोटोज देखने आया था। और ये किस खुशी में? आपके फोटोज इतने अच्छे आए हैं, उसी की खुशी में। ये ठहरो ठहरो ठहरो। रेती कितनी अच्छी लग रही है। आखिर बीवी किसकी है? ये तस्वीर इतनी काली क्यों है? क्योंकि बैकग्राउंड काला है। हम दोनों की तस्वीर कितनी खूबसूरत आई है। जी वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और खुश भी। मैं चाहता हूं आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें। आपकी मुसीबत तो हल हो गई, अब आप भागिए यहां। क्यों, ये तस्वीर अच्छी नहीं लगी? ये तस्वीर कहां से मिली आपको? मिली नहीं, मैंने खुद खींची है। और रमन के अलावा इसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। ये तो शुक्र है कि ये तस्वीर मैंने ही खींची, अगर कोई और खींच लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। जी वो मेरी भूल थी, अनजाने में। गलतियां अनजाने में ही होती हैं, जानबूझ के थोड़ी होती हैं। देखो कपनो, मैं नैतिक मूल्यों और सामाजिक बंधनों में विश्वास रखने वाला शिव भक्त आदमी हूं, और मुझे अपनी संस्कृति का अभिमान है। आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियां इन पुराने रीति रिवाजों को, इन बंधनों को नहीं मानते। जब जब मैं किसी को इन्हें तोड़ते हुए देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और मेरा जी चाहता है कि मैं इन्हें ऐसी सजा दूं कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी ना करें। ये मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। तो क्या आप कुमार को? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं धार्मिक आदमी हूं। मैं शादी को पवित्र बंधन मानता हूं, आखिर मैं खुद भी तो शादीशुदा हूं।
और मैं उसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने दूं। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्यों की वजह से शायद भगवान ने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है जो हर एक को नसीब नहीं होती। लेकिन ये मत समझना कि वो इस गलती को भूल चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? ऊपर वाले की तरह मेरी लाठी में भी आवाज नहीं होती। अब क्या है, देखो, इस शिव कार्य को करने के साथ साथ मुझे अपना घर भी तो चलाना है। तुम्हारी सहेली रेवती, उसकी बच्ची आशु, और मुझे यकीन है तुम इसमें मेरी मदद करोगी। आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कहते क्यों नहीं, आप चाहते क्या हैं? 1,00,000 रुपया। 1,00,000? मैं उतना ही मांग रहा हूँ जितनी मुझे जरूरत है, और तुम जैसे अमीर लोगों के लिए इतना पैसा देना कोई मुश्किल तो नहीं है। इतना सारा रुपया मैं कहाँ से लाऊंगी? वो घबराओ मत, उसका भी रास्ता हो जाएगा। तुम्हें ये सारे रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है, ये मैं रखता हूँ। तुम 25-25 की 4 किस्तों में दे सकती हो। हर बीवी घर के खर्चे से थोड़ा बहुत पैसा तो बचा के रखती है ना। तुमने भी रखा होगा तो अभी वो दे दो। बाकी के पैसे कैसे देने हैं वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा। जल्दी करो, देर हो रही है, कुमार साहब आते ही होंगे। डरो नहीं कल्पना, अनजाने में जो भूल तुमसे हुई थी उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, उसे रुपए दे दो। रुक जाओ कल्पना, दोबारा वैसी भूल ना करो। आज तो पैसे दे सकती हो, अगर कल ना दे सकी तो क्या करोगी? अच्छा यही है कि तुम अपने पति को सच सच बता दो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारे पति तुम्हें माफ कर देंगे, पर उनका मन बेचैन हो उठेगा, जिंदगी जहर बन जाएगी उनके लिए। तुम्हारे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। तुम्हारे बच्चे के भविष्य में अंधेरा हो जाएगा कल्पना। तुम पैसे देकर उस शैतान का मुंह बंद कर दो, जल्दी करो, जल्दी करो कल्पना, जल्दी करो। ये रुपए मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और बिल्कुल इसी तरह का विश्वास तुम्हें मुझ पर करना चाहिए कि जैसे ही मुझे पूरे पैसे मिलेंगे मैं ये फोटो और इसका नेगेटिव दोनों तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। और हां, मेरी इस समाज सेवा के बारे में रेवती को कुछ मालूम नहीं है, तुम तो जानती हो कितनी बोली है वो, उसे बताना मत। और बेफिक्र रहो, मेरे भी कुछ उसूल हैं, तुम्हारा राज मैं राज ही रखूंगा। रेवती आशु। हेलो बेटे। हेलो हेलो, ये देखो आपके लिए क्या लाया हूं, गुड़िया, और ये देखो चॉकलेट। अरे ये बाजार का बाजार कहाँ से उठा लाए? बाजार से, तुम्हारे और आशु के लिए शॉपिंग करके लाया हूँ, वो दोनों साड़ियाँ जो तुम इतनी हसरत से देख रही थी ना उस दिन। और ये देखो सोने का सेट। सोने का है। अच्छा, कितना सुंदर है। और ये आइटम नंबर 4, ये चांदी के फ्रेम का आईना, तुम इसे देखोगी तो ये तुम्हें देखेगा। तरस गया है बेचारा तुम्हारी जैसी शक्ल देखने को। चलो हटो, पहले ये बताओ इतने पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? ओ रेवती, तुम खुश हुआ करो, हैरान मत हुआ करो, आम खाओ, पेड़ का पता क्यों पूछते? पहले बताओ पैसे कहाँ से मिले? शिवनाथ के तीसरे नेत्र का कमाल तुम जानती नहीं हो, इनाम मिला है। बहुत अरसा पहले मैंने एक फोटो खींची थी एक
गिरती हुई औरत की। बड़ी ऊंचाई से गिरी थी बेचारी, तब की खींची हुई फोटो अब काम आई है। फर्स्ट प्राइज मिला है मुझे 25,000 का। हाँ, लेकिन जो औरत गिरी थी उसका क्या हुआ? अरे वो तो बचा ली गई, लेकिन गिरते गिरते मुझे इनाम दे गई, उसी में से ये 6,000 खर्च किए, 19,000 बचा के लाया हूँ। शिव, एक दिन तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर बनोगे, तुम्हारी भी तस्वीरें छपेंगी। अरे तस्वीरें छपे ना छपे, लेकिन पैसे जरूर मिलेंगे। रेवती, पैसे तो मैं पहले भी कमाना चाहता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तो बहुत ही ज्यादा कमाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम रानी की तरह रहो और मेरी आशु राजकुमारी की तरह रहे। शिव, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, हमेशा ऐसे ही रहना, अच्छे अच्छे। रेवती, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, और तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सुख के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा। रामू, 6 बज गए, बबलू अभी तक स्कूल से लौटा नहीं। जी नहीं। साहब का भी पता नहीं, मैं खुद जाके देखती हूँ। आप लोग कितने लापरवाह हैं, बच्चों का भी ध्यान नहीं रखते। मैंने इसे स्कूल के बाहर रोता हुआ देखा, कोई उठा के ले जाता तो? आपको मालूम नहीं कितना खतरा है आजकल, बच्चों को उठाने की कितनी वारदातें हो रही हैं। वो तो शुक्र है कि मैं वहां आ गया, अगर कोई गुंडा शैतान होता तो आप क्या करती? कल्पना, बबलू, तुझे कौन लाया? अंकल, स्कूल के बाहर खड़ा रो रहा था तो मैं। शिवना जी, थैंक यू भाई। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ परवाह है आपको, अगर बच्चे को कोई उठा के ले जाता तो? नहीं कल्पना, बात यह कि एक बहुत जरूरी मीटिंग में देर हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि शिवना जी वहां पहुंच गए, नहीं तो आइए बैठिए चाय पीते हैं। जी नहीं, मैं चलता हूँ, मैं अपने कुछ जरूरी काम से जा रहा था। अपने घर चाय तो कभी भी पी लूंगा, चलता हूँ। नमस्ते। बहुत अच्छा आदमी है। अरे हाँ, इसमें कुछ पैसे हैं, ऊपर रख देना। बबलू तैयार है। कल्पना, बबलू को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए और तुम्हारी शॉपिंग वगैरह के लिए मैंने एक गाड़ी खरीद ली है और ड्राइवर का इंतजाम भी कर लिया है। ड्राइवर, चमन, हर रोज ठीक 8 बजे बबलू को स्कूल ले जाना और 5 बजे वापस ले आना। यस सर। जाइए। कल्पना, इंसान की जिंदगी में भी कैसे कैसे मोड़ आते हैं। अब इस रमन को ही देख लो, एक लखपति बाप का बेटा है, लेकिन हालात ने इसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। बेशक स्मगलिंग के केस में जेल काट चुका है, मगर बगैर मुझसे कुछ छिपाए सब कुछ साफ साफ बता दिया। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसी क्या खास जरूरत थी ड्राइवर रखने की, मुझे तो कोई काम रहता नहीं, और बबलू तो स्कूल बस में भी आ जा सकता है। नहीं, सोच समझ कर रखा है मैंने उसे, किसी वक्त मुझे भी तो जरूरत पड़ सकती है उसकी। कल्पना, कल्पना, तुम शायद यह सोच रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। नहीं, मैं जब तुम्हें आखिरी बार मिला था उसके बाद मैंने डैडी से मिलकर उनसे इजाजत ले ली थी तुमसे शादी करने के लिए, मगर होनी को कौन टाल सकता है। इससे पहले कि मैं तुम्हें यह खुशखबरी सुना सकता, पुलिस ने मुझे और मेरे डैडी को गिरफ्तार कर लिया। तभी मुझे पता चला मेरे डैडी स्मगलिंग करते हैं, वो अभी तक जेल में है। मैं 5 साल जेल में रहा, उन सालों में हर दिन हर पल यही ख्याल मुझे कुरेदता रहा कि तुम्हारा क्या हुआ। इसलिए अपनी सजा भुगतने के बाद मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, मगर मेरी बदकिस्मती का किस्सा यहीं खत्म नहीं हो जाता। जब मैं काम के लिए मारा मारा फिर रहा था तो मेरी मुलाकात हुई भी तो कुमार साहब से, और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी।
मैं नहीं जानता था ये नौकरी मुझे तुम तक पहुंचाएगी। कल्पना, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये सब किस्मत का खेल है। कल तक मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन आज तुम्हें कुमार साहब जैसे इंसान का घर बसाए हुए देखकर मेरे दिल का बोझ उतर गया। तुम्हारे सुखी संसार पे मैं अपना मनुष्य नहीं पढ़ने दूंगा। मैं वादा करता हूं बहुत जल्दी किसी न किसी बहाने से यहां से चला जाऊंगा। क्यों, नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? सर, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मुझसे। हाँ? किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, एक मोड़ पर गाड़ी सिग्नल से टकराई और एक हेडलाइट टूट गई। ओ सर, गलती मेरी थी। मेरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे बार बार मेरी आंखों के सामने आते और मैं उन्हें भुला नहीं पाता, इसलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है सर। देखो रमन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। तुम अपनी बीती हुई जिंदगी भुला दो और अपनी आने वाली जिंदगी को उससे भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। मैंने तुम पर जो विश्वास रखा है उसे कभी टूटने मत देना। दिल लगाकर काम करो, कभी तुमसे गलती नहीं होगी। सर प्लीज, मेरी बात मानो, जाओ अपना काम करो। ए कल्पना, तुम वहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, दाग निकालने की कोशिश कर रही हूँ मगर ये छूटता ही नहीं। नौकरानी से कह दो, वो साफ कर देगी। नमस्कार। अरे शिवनाथ जी, आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद आए। जी नहीं, मैं बीच में एक बार आया था, आपसे मुलाकात नहीं हुई, फोटोज देकर गया था। हाँ, कल्पना ने दिखाई थी। वो उन्हीं में से कुछ अनलाज करके लाया हूँ। हाँ। मैंने सोचा घर की दीवारों पर अच्छी लगेंगी। ओके। हाँ कल्पना। नमस्ते। आपका बैग। आओ बैठो। भाई शिवनाथ जी ये अनलाजमेंट लाए हैं, कहते हैं दीवारों पर बहुत अच्छी लगेंगी। आप भी देख लेते ना। अरे भाई, ये तस्वीरों का डिपार्टमेंट कल्पना का है, आप बिल मुझे भेज देना। अरे साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, दोस्तों से फोटोज के पैसे नहीं लिए जाते। अरे अच्छा भाई चलें। अरे हाँ, वो मेरे प्रिंसिपल खन्ना साहब आएंगे, मैं तो एक जरूरी मीटिंग में रहूंगा, मिल नहीं पाऊंगा, मेरी तरफ से माफी मांग लेना। और ऊपर 25,000 रुपए पड़े हैं, उन्हें दे देना, हॉस्टल वॉस्टल मंगवा रहे हैं। अरे आप बैठो ना, कुछ चाय। नहीं, मैं भी चल रहा हूँ, मैं आपके साथ लिफ्ट ले सकता हूँ? हाँ जरूर। अच्छा कल्पना जी, मैं फिर आऊंगा। मैं प्रोफेसर खन्ना हूँ, हम कुमार से मिलने आए। आइए आइए, उन्होंने मुझे आपके बारे में बता दिया था। आइए तशरीफ रखिए। माफ कीजिए, वो किसी जरूरी मीटिंग में बाहर गए हैं। ओ। आप बैठिए ना, आपकी अमानत वो मुझे दे गए हैं, मैं भी लाती हूँ। सावित्री, चाय तो लाना। हेलो, मैं शिवनाथ। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी? क्या है कि आज सुबह ही मेरे ज्ञान नेत्र ने मुझे याद दिलाया कि मेरे दूसरे इंस्टॉलमेंट का वक्त हो गया है और मुझे एक तरकीब भी सुझाई है। कैसी तरकीब? तुम्हारे पास वो 25,000 है ना प्रोफेसर साहब को देने के लिए? मतलब ये सारे रुपए? नहीं 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 कल्पना, मैं लालची आदमी नहीं हूँ, मुझे सारे नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ 20,000 मुझे दे दो और बाकी के सारे उन कॉलेज वालों को दे देना, या फिर उन्हें भी तो जरूरत है। पर कुमार साहब को तो पता चल ही जाएगा। ओ, लेकिन वो ये सोचकर तो खुश होंगे कि एक किस्त में दो कर्ज चुका दिए। मैं अभी वो 20,000 लेने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये घबराओ मत, घबराओ मत, तुम जरूर कुछ ना कुछ सोच लोगी। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सिर्फ 5,000 लगते हैं बेटी। जी, मगर उन्होंने तो 25,000 का कहा था। मुझे वो इतना ही दे गए हैं, शायद वो आपसे साफ साफ ना कह पाए हों, आजकल जरा पैसों की कुछ तंगी है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। पच्चीस पहले दिए थे, 20 ये हो गए। हिसाब किताब की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं ईमानदार आदमी हूँ और
आपका मददगार भी हूँ। अच्छा, बाकी के पैसे कैसे देने हैं वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। हाँ, वो तो तुम बताओगे ही। जी ठीक समझा। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। तुम और हम, ये कोई दुकाना चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही कर रहे हो जो पहले करते थे। भागो मत। मैं यहाँ ड्राइवर का काम करता हूँ। तुम हो भी इसी लाया? मेरे 8,000 रुपए निकल गए और डकार तक नहीं ली। तुम यहाँ क्या लेने आया? वही जो तुमसे नहीं मिल सका। नकद नारायण, तुम रोमांटिक लड़कों में यही खराबी है, यारों से वादा करके ऐसे भूल जाते हो जैसे कोई लौंडियों से वादा किया हो। तुम ना सही, कल्पना सही। मतलब? मतलब सही मतलब रखते हैं राजा। देखो, मोहब्बत के उस खेल में तुम और कल्पना पार्टनर थे, तो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए कल्पना से तुम्हारा कर्जा वसूल कर रहा हूँ, सूद के समेत। कमीने, नीच, अगर पैसे का इतना लालच है तो कटोरी लेकर भीख मांग। जोश में मत आओ राजा, दरअसल बात यह है कि कमीने तुम हो, क्योंकि तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की। पर्दे उठाए तो तुमने हैं, हम तो पर्दा गिराना चाहते हैं। सुनो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी इस काली करतूत पे पर्दा रहे तो जबान बंद रखो, नहीं तो वो कटोरी हाथ में देके भीख मंगवा दूंगा। ये क्या? अरे देखने दो कितना है। 70 रुपए सिर्फ। ठीक है, मैं रखता हूँ। 7,930 बाकी है, समझे? दोस्तों, आज कुमार साहब और कल्पना जी की छठी शादी की साल ओ सॉरी शादी की छठी सालगिरह है। आदर्श पति, आदर्श पत्नी, क्या परिवार है, क्या कारोबार है, दोनों का एक दूसरे से प्यार ही प्यार है। मेरा बस चले तो इनकी आंख का काजल इनके गाल पे लगा दूं ताकि मुझ जैसों की नजर ना लगे। मुझे यकीन है कि जैसे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, वैसे हम लोग इनकी शादी की सिल्वर जुबली मनाने को भी इकट्ठा होंगे। रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, और खुशी के ऐसे मौके पर गाना तो हुआ ही करता है, हैं? पर सवाल यह है कि गाना गाएगा कौन? आप गए? नहीं। आप? मैं आप गई? आप? जी नहीं, मैंने। सब टालने की कोशिश करेंगे, बेकार में वक्त जाया होगा। मुझे एक आइडिया आया है। बबलू इधर, बबलू की आंख पे पट्टी बांध देते हैं और उसको खुला छोड़ देंगे, ठीक है? और जिसको भी ये हाथ लगाएगा उसे गाना गाना पड़ेगा, ठीक? पापा जी, अगर मैनू छू लेता तो मैनू तो रोना भी नहीं आता। पापा जी कोई गल नहीं, आ कोई संगीत सम्मेलन तो है नहीं, गा देना कुछ भी जी। कुछ तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, तुमने तो कई ड्यूएट गाए होंगे मिलके। तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, किस्मत नहीं, ये मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहां, मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहां, तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं। We'll be right back.
सूरज चांद तारे गगन के जैसे रोशनी देने चमके, यूं ही तेरी बिंदिया के दम से मेरी दुनिया दिन रात दमके। तेरे हंसने से अच्छा मुहूर्त नहीं, तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं। जो ये दुनिया थी कहती जग में हर सफल आदमी के पीछे एक औरत है रहती, मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं। तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं। कितना मुझे तुझ पे यकीन है हमदम, तुझे कहना है मुश्किल इतना, तुझे कहता हूँ बस मैं कुछ दिन, जिंदा रहना है मुश्किल। नैनों में बिन तेरे कोई मूरत नहीं, वो तेरे जैसा खूबसूरत नहीं, मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं। ये मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहां, मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहां। तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं। हे भोलेनाथ, तू तो सबकी मुश्किल दूर करता है, मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। सात सोमवार कच्चा दूध चढ़ाऊंगी, कुछ ऐसा कर दो कि शिवनाथ डूब जाए, कच्चे दूध में शिवनाथ डूब जाए। हे भोलेनाथ, ये तेरी बड़ी नाइंसाफी। अगर तू मुझे पैसे देना चाहता है तो सीधी तरह क्यों नहीं देता, दूसरों के जरिए क्यों दिलवाता, उन्हें कितना कष्ट होता है। हे नटेश्वर, काश तूने सबको बराबर बनाया होता, ये फोटो वोटो का झंझट ही नहीं होता। हे प्रभु, तुम मुझे भगवान के मंदिर में भी चैन से बैठने नहीं दोगे, अब कौन सी तरकीब लेकर आए हो? तरकीब नंबर 3, मेरे पास एक कागज है, उस पर आप ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैं फैन हूं आपका। क्या है कि अब मुझे घर भी बनवाना है, वैसे जमीन तो मैंने खरीद ली। दूसरों का घर उजाड़ कर तुम समझते हो अपना घर बसा लोगे? ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि मिस्टर सो एंड सो जिस वक्त भी फलाना फलाना अमाउंट मांगे तो उन्हें दे दिया जाए। तो मैं मिस्टर सो एंड सो, आप करोड़पति की बीवी, आपके दस्तखत की बहुत वैल्यू है, मैं मार्केट में जाकर फलाना फलाना अमाउंट ले लूंगा, आप सिर्फ ऑटोग्राफ दे दीजिए। यह मुझसे कभी नहीं होगा। अच्छा, तो फिर मैं
कुमार से करवा ले। कुमार साहब कहो, अगर हो सके तो अपनी गंदी जुबान से कभी उनका नाम भी मत लेना। भगवान है वो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, आओ मेरे साथ, देती हूँ तुम्हें टुकड़े ताकि तुम भौंक ना सको। शुक्र करो सिर्फ भौंक रहा हूं, अभी काटा नहीं। सिर्फ 25,000 बाकी रह गए हैं, वो भी एक हफ्ते में बंदोबस्त कर दूंगी और उसके बाद मैं अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ फिर कभी नहीं आऊं, यही ना? और कुछ गुफ्तगू करनी है या मैं जाऊं? जहन्नुम में जाओ। जी बहुत अच्छा। फिर लूट के आए हो? तुमसे मतलब? मैं तुम्हारी ये लूटमार नहीं चलने दूंगा। तुम्हारी खैरियत इसी में कि तुम्हें रुपए वापस जाके लौटा दूं। अच्छा, और ना लौटाऊं तो? तो जिंदा वापस नहीं जाओगे आज? अरे जब कजा चींटी की आई उसके पर फैला हुए। अरे पैसा देने वाली वो, कमाने वाले कुमार साहब, तुम्हारे सीने में क्यों दर्द उठता है? तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। ओ, तुम्हारा ये बचपना मेरा रास्ता दोनों छोड़ो ना यार। एक आंख तुम बंद रखो, एक आंख मैं बंद रखता हूँ। यानी जो ऐश तुम कर रहे हो तुम करते रहो, और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो ना। जलील मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुम तो नाराज होने लगे। सुना है औरत अपने पहले इश्क को कभी भूलती नहीं है, और तुम तो उसके पहले वो हो। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? इसी से पूछिए, बोलते क्यों नहीं? पर हुआ क्या है? तुम बोलोगे या मैं बोलूं? आप बताइए। आपको मालूम नहीं है पर मैं जानता हूं इसकी पिछली जिंदगी। मैंने तो इससे हमदर्दी में पूछ लिया कि तुम्हारा बाप जेल से कब छूटेगा, बस आओ देखा ना, ताओ मारा मारी करने लग गया। इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, पर दूसरों की इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए इसे। क्यों रमन? सॉरी सर। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगनी चाहिए तुम्हें। मुझसे भूल हो गई, I'm sorry. ठीक है, never mind. मुझे अफसोस है कि मेरे घर में आपके साथ ऐसा हुआ। अरे पर आपको भी किसी के जख्म छेड़ने नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ हमदर्दी दिखा रहा था। हमदर्दी दिखानी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। आइए चाय पिए। गुड मॉर्निंग कुमार। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहब, बैठिए। हम लोग याद दिलाने आए थे कि परसों हॉस्टल की बुनियाद रखी जाएगी और भूमि पूजन भी होगा, तुम्हें आना है। मुझे याद है सर, आप तो जानते हैं मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। यस यस, इसीलिए तुम जैसे स्टूडेंट्स पर हमेशा फख्र रहा है मुझे। दीपक, कुमार साहब की रसीद दे दो। हाँ? इसमें शायद गलती से 5,000 लिखे हैं, 25 होने चाहिए। नहीं बेटा, हमें तो सिर्फ 5,000 ही मिले थे। 5? हाँ, तुम्हारी पत्नी ने कहा घर में कुछ पैसे की तंगी चल रही है, इसलिए इतना ही दे सकते हैं। हो सकता है कहने सुनने में कोई गलती हुई हो। नेवर माइंड सर, मैं बाकी 20,000 का चेक आपको अभी दे देता हूँ। सॉरी सर, मेरी वजह से अगर कोई तकलीफ हुई हो तो। कोई तकलीफ नहीं बेटे, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।
ये पालक की सब्जी आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आपको तो पालक बहुत पसंद है ना? आज आधी पकी है, आधी कच्ची रह गई है। कल्पना, बीवी का प्यार कब ज्यादा है और किस वक्त कम हो गया है इसका अंदाजा उसके बनाए हुए खाने से लगता है। पालक को छोड़ो, शिमला मिर्ची में नमक ज्यादा है, खीर में मीठा कम है, सब तुम्हारे प्यार की तरह गड़बड़ हो गया है। रोज की तरह दिल लगाकर खाना पकाया है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल सब उलट पुलट हो रहा है। जब दिल बीमार हो और हाथ कांप रहे हो तो तीखा भी फीका रह ही जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लाओ बैठो। कितनी कमजोर हो गई हो? डॉक्टर से कुछ टॉनिक वाने क्यों नहीं ले लेती? बाबू तुम क्या लोगे? दही। बड़े सियाने हो, ये एक ही डिश है जो तुम्हारी मम्मी ने नहीं बनाई। बिल्कुल ठीक होगी। कल दोपहर को डैडी यहाँ आए थे। अच्छा, मुझे फोन करके बुलवा लिया होता। मैंने कहा, पर वो जल्दी में थे। मम्मी नाना जी मुझे देखे बगैर ही चले गए। तब तुम स्कूल में थे ना बेटा? दरअसल वो यहाँ एक जरूरी काम से आए थे। आजकल पैसों की बहुत तंगी चल रही है, उन्हें 25,000 की जरूरत थी। उन्होंने कहा वो जल्दी लौटा देंगे। दे दिए ना? जी, 25 उन्हें दे दिए, 25 प्रोफेसर साहब को। नेक काम के लिए चंदा देना और अपनों की मदद करना दोनों ही अच्छे काम है। तुमने समझदारी से काम लिया। मम्मी तुमने कुछ खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है बेटा। तुम्हें भी अपना बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता ना? मुझे तो अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। मैं मदद कर दूं? अरे कुमार तुम? नमस्ते। अचानक कैसे आना हुआ? कल्पना नहीं है क्या? जी नहीं, अकेला आया हूँ। पूना में एक प्लॉट देखने आया था, नई फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, सोचा आपसे भी मिलता चलूँ। हाँ, कारोबार बढ़ा रहे हो। जी। वेरी गुड वेरी गुड, बैठो। और आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? मार्केट में कुछ अफवाहें सुनी हैं। मेरे बारे में क्या सुना है? अरे अब इस उम्र में रोमांस करने से तो रहा। नहीं वो बात नहीं है, सुना है आपके बिजनेस में तंगी आ गई है, मुझसे मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, फिर आपका बेटा ही तो हूँ। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो बेटे? पैसे की तंगी? अरे मैं तो खुद पैसे से तंग आया हुआ हूँ। पिछले दिनों कपड़ों के मिलों में स्ट्राइक थी, व्यापारी मेरे गोदाम से चढ़े दामों पे माल लेके गए, एक्सपोर्ट इस साल दुगना हुआ है। अरे अपने तो ये दिन चल रहे हैं कि हाथ से बीज गिरे और फूल ही फूल खिल गए, और तुम कहते हो तंगी की खबर सुनिए। सॉरी सर, इसलिए तो कहा था कि अफवाहें सुनी थी। आप बंबई कब आ रहे हैं? आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। बहुत दिन हुए बेटी अब बबलू से मिले। मम्मी मम्मी इसे बांधो ना। मम्मी मैं कल नाना जी के पास जाऊं? क्यों बेटा? आजकल तो मुझे कहानियां भी नहीं सुनाती और सुलाती भी नहीं हो। नाना जी मुझे कितनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाते, मुझे नाना जी की बहुत याद आती। तेरे लिए तो जी रही हूँ पागल, वरना कब की मर जाती। तू ही मुझसे दूर चला गया तो क्या करूंगी? हाँ मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। Oh,
पग फिसल गया, वो चीख पड़ी, ऊंचाई से खाई में गिरी, मुरझा गई वो फूलों की रानी, पर ये सच्चाई सबने पल भर में बदली छाई, बरखा बिजुरी आंधी लाई, पल पल दुआई मांगे दीवानी, पर ये सच्चाई सबने जा रहे हो। देखो मैं आज आखिरी बार आया हूं फाइनल फैसला करने, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं चिल्लाकर सारी दुनिया में तुम्हारा राज फाश कर दूंगा, समझे? कल्पना जी, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। तुम यहां क्यों आए हो? तुमसे कहा था ना एक हफ्ते में सारी रकम मिल जाएगी, साहब घर पे हैं, चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा, इस बार जाऊंगा तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मकान बनवाने का ख्याल मैंने छोड़ दिया है, मुझे एक बना बनाया मकान मिल रहा है, खूबसूरत भी है, सस्ता भी। खूबसूरत मेरे लिए, सस्ता आपके लिए, सिर्फ 75,000 रुपए। 75? लेकिन मैंने तो सिर्फ 25,000 देने हैं। हाँ, लेकिन अब मुझे 75 चाहिए, और मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए इतने पैसे इकट्ठा देना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, इस प्रॉमिसरी नोट पर साइन कर दो। नीच कमीने, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी जान ले लो मगर मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, साहब के जागने से पहले प्लीज चले जाओ। चला जाऊंगा, साहब के जागने से पहले इस पे साइन कर दो, चला जाऊंगा। कभी नहीं, ये हमारी मौत का हुक्मनामा है, साहब की इज्जत, मेरे बच्चे की जिंदगी, दोनों मिट्टी में मिल जाएंगी। मैं मर जाऊंगी मगर इस प्रोनोट पे कब? तो ठीक है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे ड्राइवर की ये तस्वीर तुम्हारे साहब को दिखाने ही वाला हूँ, और ये तो तुम जानती हो कि वो बहुत खुददार आदमी है, तुम्हारे मरने से पहले वो जहर खा लेंगे, तो
तुम मरना चाहती हो तो मरो ना, और उनकी हत्या क्यों कर रही हो? गुड गर्ल। क्या लिख रही हो कल्पना? कुछ नहीं कुमार साहब, हम एक घर बनवा रहे हैं तो मेरी बीवी रेवती ने कहा कि नक्शा इन्हें भी दिखा दूं। लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जी। इस नक्शे में तो कोई दूसरा नक्शा दिखता है। प्रनोट 75,000 रुपए का। ये कौन से मकान का नक्शा है शिवनाथ, और इस पर कल्पना के दस्तखत क्यों हैं? इमरजेंसी आ गई थी कुमार साहब, मेरे दस्तखत तो कौन मानता है, इसलिए इन्हीं से दस्तखत करवाने पड़े। मगर क्यों, कल्पना की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें दस्तखत दे? मजबूरी तो इन्हीं से पूछ लीजिए। कल्पना, ये क्या राज है, तुमने कल्पना से दस्तखत क्यों लिए? बोलते क्यों नहीं? आप बोलने पर मजबूर मत कीजिए मुझे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये जो हो रहा है इसे बर्दाश्त कर लूंगा? शिवनाथ, मैं बहुत सीधा आदमी हूं, सीधी बात करता हूं। सीधी बात तो यह है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है, यही हाथ अपने मुंह पे मारिएगा ये हकीकत जान लेने के बाद। है आंखों में ताप सच देखने की? तो देखिए इसे। इसे मत देखिए सर, मैं आपको ये कभी नहीं देखने दूंगा। शिवनाथ कभी एक तस्वीर लेकर नहीं चलता, ये देखिए। कुमार सर, छूना नहीं मुझे। सर मैं कसम खाकर कहता हूं ये सच नहीं है, मैं आपको सब सच सच बताना चाहता हूं, मुझे एक मौका दे दीजिए। शट अप, इतना काफी नहीं जो मैंने देख लिया है। कुमार साहब, आप अपने घरेलू झगड़े बाद में निपटा दीजिएगा, पहले मेरा हिसाब चुकता कीजिए। अभी तुम्हारा हिसाब चुकता करता हूं, रुको यहां। जी जरूर। इसे कहते हैं इज्जतदार आदमी, सीखो इनसे कुछ कि इज्जत कैसे बचाई जाती है। 75,000 तो क्या, उससे चौगने भी मांगता तो वो भी मिल जाते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, जो जो इस राज को जानता है जिंदा नहीं रहेगा। सर सर मुझे जरूर मार दीजिए, लेकिन लेकिन यकीन मानिए इसमें कल्पना जी का कोई दोष नहीं। कुमार साहब, आप पैसे नहीं देना चाहते, मत दीजिए, मैं आपको नेगेटिव पैसे ही लौटा देता हूँ ना। लीजिए लीजिए नेगेटिव रख लीजिए, कुमार साहब मेरी जान चली जाती है, मेरे किस काम का। लीजिए कुमार साहब, कुमार साहब मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी इस घर का रुख नहीं करूंगा, आप नेगेटिव रख लीजिए। इतनी सी बात के लिए मारा मारी करने की क्या जरूरत है? कसूर तो मेरा है, मैंने गुनाह किया है, आप जैसे सच्चे इंसान को धोखा देकर मुझे मार दीजिए, चलाइए गोली, मुझे मार दीजिए। तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदा रहोगी। कल्पना, क्या हुआ कल्पना? कल्पना, एक भयानक सपना देखा। डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, चलो सो जाओ, सो जाओ। हेलो कल्पना। यस, आप कौन बोल रहे हैं? मैं शिवनाथ। क्या बात है? बात कुछ खास नहीं है, मैं कल तुम्हारे डैडी से मिला था। क्या मतलब? तुम्हारे डैडी मुझसे मिले थे। कहाँ? सपने में। आजकल मैं सपने बड़े देखता हूँ, तुम देखती हो? अब कल सपने में तुम्हारे डैडी आ गए। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं तो सपने में भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो तुम्हारी बहुत शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे इतने दिनों से कल्पना मिलने नहीं आई, तो मैंने कहा परेशान मत होइए, मैं कल्पना से कह दूंगा, वो आपसे जरूर मिलने आएगी। बल्कि मैंने तो कहा वो आज ही आएगी, जाओगी ना? तुम चाहते क्या हो, जल्दी कहो। भूल गए? तुमने कहा था ना एक हफ्ते में पैसे दे दूंगी पूरे, आज आठवां दिन है। और कल्पना, ऐसा भी नहीं है मैं तुम्हारी परेशानी समझता नहीं हूँ, इस बार तुम्हारी परेशानी तुम्हारे डैडी हल कर देंगे, वो बहुत अमीर आदमी है और तुम उनकी इकलौती बेटी हो, 25,000 के लिए वो तुम्हें इनकार नहीं करेंगे, तो तुम उनके पास जाओ और कोई भी बहाना करके पैसे ले। मैं
मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ? कुमार साहब घर पे हैं। तुम्हें मालूम नहीं है? कुमार साहब तो सूरत जा रहे हैं। कल्पना, मैं सूरत जा रहा हूँ। वहां अमेरिका से एक पार्टी आई हुई है, जरूरी मीटिंग है, रात को लौटने में शायद देर हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये लो। यस सर। रामू जी? मुझे लौटने में देर होगी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, बबलू का ख्याल रखना। अच्छा। अरे बेटा, तुम कब आई? अरे बेटी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? डैडी, मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है, अभी इसी वक्त, मैं लौटा दूंगी। अरे पगली, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कर्ज थोड़ी दूंगा, ये सब कुछ तुम्हारे तो है। 25,000 क्या, मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा, लेकिन क्या मुझे ये नहीं बताओगे कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है? डैडी, वो बाहर गए हुए हैं और बैंक में रकम जमा करवाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कुमार को पैसों की जरूरत है। आपको मेरे पे विश्वास नहीं? कैसे विश्वास करूं? सच बताओ बेटी, क्यों तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है? और देखो, पति पत्नी को एक दूसरे से छुपा के कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई हूँ, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? कल कुमार आया था, मेरी मदद करने आया था। कल वो पैसे देने आया था, आज तुम लेने आई हो। वो यहाँ आए थे? रामू साहब कब आए? थोड़ी देर हुई। मेरे बारे में पूछा? पूछा, मैंने कहा सहेली के घर गई। अरे एक बात तो बताओ। ए बबलू, जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तो और कौन कौन आता है? दूध वाला। और कौन आता है? पोस्टमैन आता है। और कौन आता है? बाजू वाला। और अंकल आते हैं, कैमरे वाले। वो क्या करते हैं यहाँ के? अंकल ने फोटो दिए थे ना, फिर मम्मी ने उन्हें बहुत सारे नोट दिए। कितने नोट दिए थे? इतने? नहीं नहीं, बहुत दिए थे। इतने? इससे भी ज्यादा। कितने? नहीं बाबा, इतने ढेर सारे। इतने? इतने। मम्मी ने उन्हें बहुत बार पैसे दिए थे ना? हाँ, देती रहती है। कल्पना, 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 रामू, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या समझते हो, इसको लेकर तुम बाहर जा सकोगे? तुम्हारी लाश पर से भी जाना पड़े तो भी इसे लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। चुपचाप ही नेगेटिव रख दो और यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चीखों से मेरी बीवी या बच्ची जाग जाए। तुम्हें होगी अपनी बीवी और बच्चियों की परवाह, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कह रहा हूँ चुपचाप ये नेगेटिव मुझे दे दो। Thank you.
डॉक्टर साहब, बाहरी चोटों का तो मैंने इलाज कर दिया है, लगता है कोई गहरा सदमा पहुंचा है इसलिए होश नहीं आ रहा, मुकम्मल आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। आप घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर तुम ये नेगेटिव ले भी गए तो क्या मेरी जबान बंद हो जाएगी? तुमने और कल्पना ने मिलकर जो नाटक किया है वो मैं कुमार को बता नहीं सकता। कल्पना इनकार कर सकती है कि उसने ये सब नहीं किया है। अब मैं समझी क्यों इन तस्वीरों के तुम्हें इतने पैसे मिलते हैं। रेवती, तुम बिजनेस के मामले मत बोलो, चले यहाँ से, चले यहाँ से। चुप करो, इस गंदी हरकत को तुम बिजनेस कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जानती नहीं हो रेवती, इसने और कल्पना ने मिलकर क्या गुल खिलाया है। मैं जानती हूँ और मैं वो भी जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। कल्पना से पढ़ाई के दौरान गलत लड़कियों के संगत में रहकर एक भूल हो गई जिसे मैं कब की भूल चुकी थी, और डॉक्टर दीदी ने तो ये सब जानते हुए भी कुमार से उसकी शादी कर दी, और एक तुम हो जो इंसान की गलतियों को माफ करने की बजाय उन्हें बेचकर घर में स्वर्ग लाना चाहते हो। इतनी तमीज से बात करो, मैं पति हूँ तुम्हारा। डूब मरना चाहिए उस औरत को जिसके तुम पति हो। रेवती जी, ये हाथ मारना जानते थे, आज इन हाथों ने बचाना सीख लिया है। इन हाथों की अग्नि परीक्षा हो गई है, मेरा काम पूरा हो गया है भाई, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूं। नर्स, मेरे पति कहाँ हैं? वो कमरे के बाहर बैठे हैं, आप घबराइए नहीं। प्लीज उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे प्लीज मत बुला। अच्छा अच्छा, मैं बुला देती हूँ। ए भगवान, मैं उन्हें सब कुछ बताकर माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे चंद सांसों की मोहलत दे दे। आपकी बीवी की हालत बहुत बिगड़ गई है, आप उनके पास जाइए, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। क्या हुआ कल्पना, अब कैसी हो तुम? यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए। मैंने आपको धोखा दिया है। तुम्हें आराम की जरूरत है, बोलो बात। मुझे बोलने से मत रोकिए, अगर अब भी मैंने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो फिर शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कल्पना? मैं जानती हूँ जब मैं सच बता दूंगी तो आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं रहेगी, आप मुझसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे बाद बबलू के पिता भी आप हैं और माँ भी,
बबलू का ख्याल रखना। तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मरने से पहले मैं अपना पाप स्वीकार करना चाहती हूँ, जिसे छुपाकर मैंने आपकी जिंदगी में दुख भर दिए थे। शादी से पहले मैं गुमराह हो गई थी, यही ना, मुझे सब मालूम है कल्पना। हाँ। जब मैं पहली बार तुम्हें देखने आया था, तब मैंने तुम्हारी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। हाँ, जब मुझे मालूम हुआ कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ वो एक बार गुमराह हो चुकी है, तो एक पल सोच में ही पड़ गया। फिर ऐसा ख्याल आया कि तुम जैसी मासूम लड़की से अगर अनजाने में कोई भूल हुई भी हो तो क्या उसे भुलाया नहीं जा सकता। उस भूल को तुम दीदी के सामने मान चुकी थी और दीदी ने भी तुम्हें अपनाया था। और सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा था। शादी की पहली रात को ही मैंने अपनी सेक्रेटरी का नाम लेकर तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई थी ताकि तुम शर्मिंदगी महसूस ना करो और तुम अपना अतीत खुद मुझे बता सको, मगर तुम्हें ऐसा ना कर सकी। शायद तुमने मुझे सच के काबिल ही नहीं समझा। अगर उस वक्त मैं तुमसे यह कहता कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, तो जिंदगी भर के लिए मेरे और तुम्हारे बीच एक लकीर खिंच जाती। 5 साल तक तुमने मेरा हर पल इतने सुखों से भर दिया कल्पना, जो शायद बाद में मेरे नसीब में नहीं थे। अचानक तुम मुरझाने लगी, एक दिन पता चला कि तुम किसी से डरती हो, किसी को पैसे देती हो। उसी का पता लगाने के लिए मैंने बबलू से पूछताछ की। कल्पना, इतनी सी भूल जो हुए परसों बीत गए, उसकी सजा तुम मुझे आज देना चाहती हो, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। अंकल, आप मेरी मम्मी से पैसे लेने आए हो ना, लेकिन मेरी मम्मी अभी बहुत बीमार है, उन्हें तकलीफ मत दो। लो, मैं पैसे देता हूँ, मेरे पास इतने ही है। नहीं बेटा, पैसे लेने वाले हाथ तो जल गए। कल्पना, मम्मा, मेरा बच्चा। सब कल्पना जी, मैं माफी मांगने आया हूं, मैं बेहद शर्मिंदा हूं। दूसरों की राह में कांटे बिछाने के बाद आदमी तकलीफ पहुंचाता है अपनी जान को। अरे छोड़िए साहब, जब किनारे पे आ लगी कश्ती, हमें तूफान से कोई नहीं शिकवा। तेरे हंसने से अच्छा मुहूर्त नहीं, तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं मेरे।